मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग ऑन। तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। यहाँ पर जो आज का वीडियो है ये सिर्फ पेरेंट्स लोगों के लिए होने वाला है और ये वीडियो पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप अपने बच्चे की लोकेशन आप कैसे ट्रैक कर सकते हो और ये बिना उन्हें पता चले। यहाँ पे आप सिर्फ अपने बच्चों के नहीं, यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स के भी आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो इमरजेंसी के वक्त। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो बाइक पर है या ऑन द वे है कहीं, अगर आपके कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस केस में आप उनके एग्जैक्ट लोकेशन को आप ट्रैक कर सकते हो कि एग्जैक्ट उनकी लोकेशन क्या है और उनके फोन में कितना परसेंट चार्जिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करने हैं, उसके बाद आप ये सारी चीजें आप कर सकते हो अपने फोन के अंदर ही। और यहाँ पर आप सिर्फ 1-2 घंटे के लिए नहीं, आप इसको लाइफ टाइम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो बिना उनको पता लगे आप उनके लोकेशन को ट्रैक कर रहे। तो यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हमारे इसी वीडियो को। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जिस फोन में आप लोकेशन को ट्रैक करोगे उस फोन में आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, यानी कि आपके फोन में इंटरनेट रहना चाहिए। और एक और बात, यहाँ पे आप जिस फोन को ट्रैक कर रहे हो उनके फोन में भी इंटरनेट ऑन रहना चाहिए, यानी कि उनके फोन में भी इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, तभी आप उनके लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम बिना किसी इंटरनेट के थ्रू हम एग्जैक्ट उनकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अथॉरिटी सिर्फ पुलिस लोगों के ही पास होती है। तो यहाँ पर इस केस में दोनों ही फोन में आपका इंटरनेट ऑन रहना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पर और आपको सारी चीजें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर आपको कौन से 3 स्टेप को फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लोकेशन ट्रैक करके बताऊंगा कि आपको पहले कैसे लोकेशन को ट्रैक करना है। तो यहाँ पर जो मेरा सेकंड फोन है मैं उसको लोकेशन को ट्रैक करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिंक को कॉपी कर लिया है, यहाँ पे जो भी लिंक है मैंने उसको कॉपी कर लिया है लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद जो मेरा सेकंड वाला फ़ोन है जो कि अभी मेरे साइड में पड़ा है जिसमें मेरा यूट्यूब का काम होता है, एग्जैक्ट मैं अभी उसको लोकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम लिख कर आ रहा है ट्रेंडिंग जान, तो ये मेरा मेल आईडी है और इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ मेरे जो फ़ोन में अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है उससे। तो यहाँ पर अगर फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर जिस फ़ोन को मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसमें अभी 58% चार्ज है, और जो मेरा रियर फ़ोन है जिसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें अभी 37% चार्ज है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कि मेरा लोकेशन है एग्जैक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आपका डबल लोकेशन दिखा रहा होगा। यहाँ पे एक मेरा रियल फ़ोन का है और दूसरा जिस फ़ोन को मैं ट्रैक कर रहा हूँ सेकेंड फ़ोन उसका है। तो आप भी अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हो आपके बच्चों के फ़ोन को। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है और आप अपने बच्चों के उच्च इसी तरीके से आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कोई भी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताने वाला, ना कोई पेड एप्लीकेशन के बारे में बता देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके अपने फ़ोन में जाना है और फ़ोन में जाने के बाद आपको ढूंढना है गूगल मैप को। यहाँ पर जैसे आपको गूगल मैप मिलेगा आपको उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऊपर साइड में आपको ऐप का इमेज दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयरिंग ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू शेयर पे क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट शेयरिंग का भी ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ पे 2 वे में आता है और यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 आवर जो लिखा है उसको क्लिक करना है। क्लिक तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसी आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लिंक शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपने किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, आप अपने खुद को ही शेयर कर सकते हो जिसमें आपको फ़ोन को ट्रैक करना है। आप उधर पे जाओ, वहाँ पे जाके आप लिंक को शेयर कर लो। शेयर करने के बाद अगर आपको अगर उनके लोकेशन को ट्रैक करना है, अगर वो आपके लोकेशन को पता ना कर पाए कि आप उनको कोई ट्रैक कर रहा है, तो यहाँ पर बस एक और सेटिंग है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन मैनेजर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मेरे ऐप्स पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मैनेजर ऐप पे, यहाँ पे मैं अभी टाइप करूँगा मैप।
जैसे आप मैप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल मैप मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसको जाके बंद कर देना है। तो यहाँ पे भी मेरा नोटिफिकेशन यस है, इस पे जाके मैं नोटिफिकेशन को बंद कर दूंगा जिस फ़ोन को मेरे को ट्रैक करना है वो। अब इससे होगा क्या कि जैसे कि मान लो कि मैं जिस फ़ोन को ट्रैक कर रहा हूँ और सामने वाले को पता ना चले, इसके लिए नोटिफिकेशन को बंद कर देना ताकि आप जिस भी फ़ोन को ट्रैक करो उसे पता ना चल सके। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे आप उनकी लोकेशन को ट्रैक भी कर लोगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उनके फ़ोन को कोई लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता चल सके और यहाँ पे वो इस चीज़ को इस्तेमाल करके कभी ना कभी इमरजेंसी में ये उनको काम आ सकता है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज को शेयर करें क्योंकि आगे चल के बहुत यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और एक कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।